बिस्किट से बनी चॉकलेट आइसक्रीम। देखिए इसकी क्रीमीनेस, इसका टेक्सचर, क्या ये लग रही है बिस्किट से बनी हुई? वो भी सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ करके। जब चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन हो और बाज़ार में ना मिले, तो बहुत ही आसानी से घर पर ही बिस्किट में से चॉकलेट आइसक्रीम बनाइए और एंजॉय करें। ये सिर्फ 3 चीज़ों से बन जाती है और बहुत ही कम समय में बन जाएगी। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। वेलकम टू कायूर एंड फूड फैमिली। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हाइड एंड सिक बिस्किट लिए हैं, चॉकलेट चिप्स वाले। आप इसकी जगह पर कोई भी चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट्स ले सकते हैं। मैंने इसका एक पैक लिया है, यानी कि ये टोटल 18 बिस्किट्स हैं, 18 पीसीस हैं। आप इस हिसाब से ले लीजिएगा। तो अब हम इन्हें ग्राइंड करके इनका एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। इन बिस्किट्स को इस तरह से हम तोड़ेंगे, रफली बस क्रश करना है और इस जार में डाल देंगे। तो मैंने सारे बिस्किट को इस तरह से तोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा चम्मच शुगर ले रही हूँ, यानी कि 1 टेबल स्पून शुगर। इन बिस्किट्स में ऑलरेडी शुगर होती है और ये मीठे होते हैं, तो शुगर यहाँ पर कम ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है, ये 1/2 कप दूध है। ये बिल्कुल ठंडा चिल दूध है, इसे मैंने उबाल कर फिर ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, लेकिन पूरा नहीं करूँगी, आधा बचा के रखा है मैंने, इसे हम बाद में डालेंगी। तो अब मैंने यहाँ पर मलाई ली है, ये फ्रेश मलाई है जो हमने दूध ठंडा करके रखा था, उसके ऊपर जो मलाई आती है ये वही है। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिए हैं, इससे आइसक्रीम में क्रीमीनेस बहुत अच्छी आएगी। इसे डालना ऑप्शनल है। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, चलिए खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में है। अब मैं इसमें जो बाकी बचा दूध है वो भी डाल दूंगी और इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसे एक और बार ग्राइंड कर लिया है। अब ये आइसक्रीम मिक्सचर रेडी है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी है। मैं यहाँ पर एक एयरटाइट कंटेनर ले रही हूँ। इस मिक्सचर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने सारा मिक्सचर इसमें निकाल लिया है और इसे एक बार टैप कर लिया है, जिससे कि कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम फॉइल लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर क्लीन रैप या तो फिर जो दूध की पॉलीथीन आती है ना, वो भी ले सकते हैं। तो हम इस फॉइल से इस मिक्सचर को कवर करेंगे, जिससे कि इसमें कोई आइस क्रिस्टल ना आए। तो हमें इसे इस तरह से कवर करना है, जिससे कि जो मिक्सचर की सरफेस है ऊपर की, ये फॉइल उसे टच करे। तो हम इसे इस तरह से इसके ऊपर प्लेस करेंगे, जिससे कि उसकी ऊपर की सरफेस पर ये फॉइल टच करे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आइसक्रीम बनेगा उसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं आएगा। तो अब मैं इसे एयर टाइट ढक्कन से कवर कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। इस एल्युमिनियम फॉइल को भी सावधानी से यहाँ से निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यह आइसक्रीम जम गई है, ये हल्का हल्का जम गई है। तो अब हम इसे एक और बार ब्लेंड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वही वाला ग्राइंडिंग जार ले लिया है। हम इसे एक और बार इसमें डालकर ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देखिए इसकी क्रीमीनेस, ये कितनी क्रीमी है, और इससे जो आइसक्रीम बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो मैं इसे इस ग्राइंडिंग जार में ले लेती हूँ। तो हम इस सारी आइसक्रीम को इसमें डाल देंगे। इसे एक और बार ब्लेंड कर लेते हैं, जिससे कि इसमें एयर पॉकेट्स बने। तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, क्रीमी वाला, स्मूथ वाला। तो इसके लिए हम इसे एक और बार ब्लेंड करना है।
हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हम रुक रुक कर चलाएंगे और बस इसे थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने इसे एक और बार ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, देखिए आप, ये और भी ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ हो गया है। मैंने वही वाला कंटेनर वापस ले लिया है, हम इस मिक्सचर को इसमें निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके ऊपर डाल दिया है। अब ये रेडी है, मैंने वही फॉइल वापस ले लिया है, इसे इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे जिससे कि ये सरफेस को टच करे। इसको प्रॉपर इस तरह से लगा लेना है और अब इस कंटेनर को लिड से क्लोज कर देते हैं। अब इसे 8 घंटों के लिए या तो फिर ओवरनाइट सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। 8 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, तो मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। तो आप इसे इस तरह से ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ सकते हैं, या तो अगर जल्दी हो तो गर्म पानी में डिप करके भी आप इसे स्कूप आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, अच्छे से जम गई है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल भी नहीं आए हैं। तो चलिए अब इस आइसक्रीम को स्कूप आउट करते हैं। तो हमारी सुपर क्रीमी चॉकलेटी रिच चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी है। अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो मैंने क्रंचीनेस के लिए यहाँ पर एक बिस्किट को क्रश करके यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर चोको रोल्स लिए हैं, उसे भी मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेस करूँगी। मैं यहाँ पर एक हाइड एंड सीक बिस्किट ले रही हूँ, उसे भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी बिस्किट से बनी हुई चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।